ट्रैफिक जाम, हमारे को गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, सामान सब सामान सब बता दे रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप हाथ नहीं लगाओगे क्या, ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी नहीं, इसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा, फिर आप कर लो जो करना। पुलिस हमारे अस्कर के ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई, नहीं, नहीं। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील आंदोलन कर रहे थे और ये लोग जाना चाह रहे थे कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएं और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उन लोगों से ये लोग मांग करें 50 ईवीएम की। और महमूद प्राचन ने पहले ही दावा किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें 50 ईवीएम दे देता है तो ये लोग ईवीएम को हैक करने का काम करेंगे, क्योंकि ईवीएम से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो पाता, ईवीएम एक बेईमान मशीन है। साफ तौर पर जो वकील महमूद प्राचन और भानु प्रताप सिंह ये लोग लगातार कहते रहे हैं, और आज ये लोग इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे थे। पटियाला हाउस जो कोर्ट है गेट नंबर 4 से ये लोग पैदल कूच कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बस को लगा दिया है और अब इन लोगों को दिल्ली पुलिस डिटेन करने का काम करेगी। एक मिनट साथियों, जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं, अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखाते ना, सारा लाइव करके दिखाते, पत्रकारों के बीच में दिखाते, ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रिप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया। सरकार को खुली चुनौती है, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम, ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे हम, और हम देश से वादा कर रहे हैं ये, और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें कोई नहीं रोक सकता, भारत का संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने जो चुनौती दी थी कि कार्रवाई करेंगे अगर ईवीएम का सवाल उठाया तो, क्या उसी को स्वीकार कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग अब मुझे लगता है हमारे साथ है। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं, चुनाव आयोग से भी वादा कर रहे हैं हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे और मशीनें लेके जाएंगे। यहाँ से आपकी मुख्य मांग क्या है कि आप ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, आप बिल्कुल बदलाव या सुधार आप लोग चाहते हैं? हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, हमारी मांग है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे वरना चुनाव नहीं होंगे। 100% चुनाव पे पड़ेगा, जनता जान जाएगी कि ईवीएम से चुनाव कौन कराना चाहता है। जो बेईमानी कराना चाहता है वो ईवीएम से चुनाव कराएगा। अगर 400 के पार हो सकता है कोई ईमानदारी से, तो 400 के पार तो पेपर बैलेट से होके दिखाए ना, आओ तो पेपर बैलेट से देख के दिखाओ ना, 40 पार करके दिखाओ पेपर बैलेट से, यही तो हम कह रहे हैं। कोई नया आधार बुनियाद भी आप लोगों के पास नहीं है, सबूत हमने प्रत्यक्ष प्रमाणम, हम कह रहे हैं कि 50 मशीनें दो ना और ईवीएम देने को तैयार है चुनाव आयोग हमें, आज ये बात साफ हो गई है। कैसे आप लोग? अमित शाह साहब से मैं वादा कर रहा हूँ, ईवीएम लेने हम आएंगे चुनाव आयोग के। भैया हम जेल, पुलिस हमारे अस्कर के ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। हमारे को गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, सामान सब सामान सब बता दे रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ मैं आपको, बता दे रहा हूँ। नहीं, आप हाथ नहीं लगाओगे क्या, ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी नहीं, इसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा, फिर आप कर लो जो करना, फिर आपको जो करना कर लो, करो आप। ऐसे अब नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा, जो करना कर लो अब तुम, आप जो करना है कर लो, अब नहीं सवाल। और एक पुलिस वाले से तो जाने वाला नहीं, आप मेरा अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते। ना ना, बुला लो और सबको बुला लो सबको, कम से कम 50 अभी नहीं हुआ अभी। इंस्पेक्टर लेवल के यहाँ पर कर्मचारी लग गए हैं और वे लोग इनको डिटेन करने की
कार्रवाई कर रहे हैं और महमूद प्राचा जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। डरूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी वर्दी की वजह से मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ ले अनुज शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, मैं पुलिस के इससे डरता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना ये। मैं इनकी इनके मैं नहीं हुआ, मैंने बता दिया आपको अमित शाह, ध्यान रखना। मैं इनकी वर्दी से डरता हूँ, मैं इनके इससे डरता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता अमित शाह, ध्यान रखना। फिलहाल महमूद प्राचा को देखिए डिटेन कर लिया है, तीन इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और उन लोगों ने महमूद प्राचा को डिटेन कर लिया है। भानु प्रताप सिंह हैं और तमाम जो सामाजिक वर्कर हैं उन लोगों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का। लेकर कहाँ जा रहे हैं लोग? ये हमें पता नहीं, कहाँ ले जाएंगे हमें, कहाँ ले जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे कोई बात नहीं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल इन लोगों को एक बस में भर लिया गया है और इन लोगों को ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस का यहाँ पर किस तरह के जमावड़ा है, बंदोबस्त किया गया था कि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे पटियाला हाउस कोड का गेट नंबर 4 जो है वहाँ से मुश्किल से ये लोग 100 मीटर की दूरी पर बढ़े थे। और इसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को डिटेन कर लिया और कहाँ ले जाया जा रहा है फिलहाल इस बात की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह होता जा रहा है? आम जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और महमूद प्राचा के साथ ही भानु प्रताप सिंह जैसे तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, वे लोग कह रहे थे कि ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है। और जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से मतदान हो, तभी जनता ने किसे मत दिया है, किस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए जनता ने मन बनाया था, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये जो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ, 1 नवंबर को बंदूक की नोक पर बीएचयू में देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आईटी सेल के मुखिया ब्रेन रेप करते हो और ठीक 31 दिसंबर को गिरफ्तारी के दिन वो दिन तय किया जाता है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री को मन की बात करके खबर को खबर से दबाना था, जिस दिन हमारे देश के इसरो को ऐलान कर दिया था कि वह बीएचयू के से बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। देखिए ये मेरठ से आए हुए थे और ये बहुजन मुक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उनको भी पुलिस डिटेन कर सकती है क्योंकि ये भी लगातार ईवीएम हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाया जाएगा तभी हमारा देश बच सकता है। और कुछ ही तकरीबन आधे घंटे के भीतर ही पुलिस ने आंदोलन खत्म करवा दिया। ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग पैदल मार्च करते हुए, कूच करते हुए ये लोग इलेक्शन कमीशन तक जाए और इलेक्शन कमीशन से 50 ईवीएम की मांग करें और उसको ये लोग है करने का दावा कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता रहता कि देखिए साहब ईवीएम जो है उसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन भानु प्रताप और महमूद प्राचा लगातार कह रहे थे कि ईवीएम को इंसान ने बनाया है, मानव बनाया है और ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सरकार हो गई है कि उसको परवाह ही नहीं है जनता की, क्यों? वो सोचती है कि वो इलेक्शन हार नहीं सकती और जब तक ईवीएम रहेगा वो इलेक्शन नहीं हार सकती है, ये तो पक्की बात है। लेकिन मैम एक बात बताइए कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको डिटेन कर लिया गया? हाँ वो तो लेकिन की क्या बात है, वो तो जाहिर है डिटेन किया जाएगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती आंदोलन। सरकार के लिए ईवीएम से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने से बड़ा गुनाह कुछ नहीं है क्योंकि सरकार की जान ईवीएम में अटकी हुई है। ईवीएम हटा दोगे सरकार गिर जाएगी, ये पक्की बात है। मेरी बात महमूद के यही हाँ। सरकार की जो रूलिंग पार्टी है इन्होंने 3 साल आंदोलन चलाया था 2010 से 2013 तक के ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। एल के अडवाणी ने फॉरवर्ड लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम हटाया जाए या ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन डाली जाए और वीवीपैट की पर्ची बाहर आए,
अंदर अंदर से कोई मतलब नहीं, मस्ट कम आउट, आई मस्ट सी, मुझे दिखाई दे। और बीजेपी ने ये आंदोलन चलाया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने अब ईवीएम का फायदा है कि बीजेपी के नेता किताब लिख चुके हैं ईवीएम पर अच्छा खासा। तो सवाल है कि जब पहले बीजेपी विरोध करती थी, अब कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नहीं विरोध कर रही है, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, और सबसे जरूरी बात है कि पूरी जनता विरोध कर रही है, और जनता को जनता पूरी जनता की आवाज दबी हुई है, कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। लेकिन ये मशीन के खिलाफ जो सस्पेशन है पूरे देश में फैला हुआ है कि कहां जा रहा है वोट किसी को पता ही नहीं चलता। एक मेरा हक है, वो इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर और कोई भी नहीं छीन सकता, ना विपक्षी पार्टी, कोई नहीं छीन सकता मेरा हक कि मैं जानूं कि मेरा वोट कहां गया है। और इतने ज्यादा इसमें शक है जब पूरी दुनिया ने, विकसित देशों ने इसको बैन कर दिया है। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया, कहा कि ये असंवैधानिक है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम कौन सी तोप है कि हमें इतना भरोसा है कि इस टेक्नोलॉजी को ये रूलिंग पार्टी मिसयूज नहीं करेगी? क्या हमें इनका इतना भरोसा है इनके ऊपर जो हर चीज को मिसयूज कर रही है? माना जाए कांग्रेस ईवीएम लेकर के आई थी, कांग्रेस भी मिसयूज करती थी, हमें नहीं मालूम कि करती थी कि नहीं। लेकिन उस टाइम भी आपको याद होगा, डिस्पाइट ईवीएम और नो ईवीएम, अगर प्याज के दाम 25 रुपए हो जाते थे तो सरकार गिर जाती थी। अगर वो ईवीएम को मिसयूज करती तो 2014 में नहीं हारती। लेकिन 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बकायदा बुलाया था, आओ आप लोग ईवीएम हैक करो, लेकिन वो कहा कि छुए बगैर आप कैसे करेंगे? जब तक आप उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करके देखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उसको हैक करेंगे, करके दिखाएंगे? और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई राजा नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी दी हुई है संविधान में कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कहाँ है ट्रांसपेरेंसी ईवीएम में? कहाँ दिख रही हमें वो पर्ची जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि पर्ची बाहर निकलनी चाहिए और बॉक्स में डालनी चाहिए और पर्चियाँ गिननी चाहिए? वो तो हुआ नहीं आज तक, तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है ना? अगले 3 महीनों में पूरे देश में चुनाव होना है, अगर ईवीएम पर रोक नहीं लगाई जाती तो नरेंद्र मोदी आएंगे, तय हो चुका है, मानती हैं आप इसको? मुझे यही लगता है जो अभी तक हो सकता है, जो वो फिगर देते हैं उतना ही आ जाता है, उनको पहले से मालूम होता है क्योंकि पहले से सब फिक्स हो जाता है। लेकिन ये भी गारंटी है कि अगर वो वीवीपैट की स्लिप बाहर निकली, क्योंकि अभी असल में बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन अगर समय कम है तो वीवीपैट की स्लिप तो बाहर निकले, उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको बॉक्स में डाला जाए, तब ये गारंटी है कि मोदी हार जाएंगे। चलिए, अगर 2024 में ईवीएम से मतदान होता है तो नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें 2024 में आएंगी। और ये ईवीएम खिलाफ आंदोलन था, और महमूद प्राचा ने साफ तौर पर कहा कि चाहे उन्हें गोली मार दिया जाए या उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन वे ईवीएम खिलाफ बोलते रहेंगे क्योंकि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, पटियाला कोर्ट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।